मैजिक पर फिर से आपका स्वागत है। तो चैनल चमादी मैं मेरा नाम है पामियन। वेलकम टू आवर शानदार जानदार एपिसोड ऑफ अपनी प्यारी हाई पिक्सल की। बोल रहा हूँ अभी तेरा प्लगइन ठोकने वाला हूँ। तो यार गाइस प्लीज, दिन रात ये बंदा रोता रहता है। तो अगर आप चैनल क्यों बन रहे हो तो प्लीज, हमारा टारगेट है इसको हमने 10 मिलियन तक लेके जाना है। और मैंने बोल कर रखा था, गलती से बोल दिया, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। तो यार ब्रो, अगर हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हो तो मैं ट्राई करूंगा एंटार्क्टिका जाके अपना डायमंड प्ले बटन खोलने का एकदम। मेरे को पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन मेरे को ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल क्यों बन रहे हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। बट एनीवेज ब्रो, यार ये हमारी हाई पिक्सल की शानदार जानदार काकेदार खतरनाक एकदम ओपी दुनिया। एंड वंस अगेन ब्रोस, हमेशा की तरह मेरे को लास्ट वाली वीडियो के अंदर हाइपीरियन ने चुना लगा दिया, 100 मिलियन का फटका लगा दिया और मेरे को पता भी नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को पता भी नहीं लगा। ये तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा कि हाइपीरियन के ऊपर जो हमने शार्पनेस लगा कर रखी थी ना लास्ट वाली वीडियो के अंदर, जिसकी हमने नियरली 100 मिलियन देख रखे थे, नियरली 100 मिलियन, वो हाइपीरियन के ऊपर नहीं लगाई जाती। बिकॉज हाइपीरियन इज अ मैजिक डैमेज टूल। कहाँ भाग के जा रहा है? अभी तो मैंने एंट्री मारी है। हाँ, अभी तो तुम्हारा बदला लूंगा मैं। तो बेसिकली जितना भी डैमेज हम हाइपीरियन से करते हैं ना, तो हाइपीरियन से हम मार के नहीं करते। जैसे फिलहाल मैं लोगों को मार रहा हूँ और डैमेज कर रहा हूँ। नहीं, हाइप में एक सेकंड के लिए भूल गया था कि हाइपीरियन को ऐसे यूज नहीं किया जाता। हाइपीरियन के अंदर होता है मैजिक डैमेज। तो पास जाके 3 लाख डैमेज भाई। तो यार ब्रोस, होता है हाइपिक्सल के अंदर हमेशा चूना लगता रहता है। साइबर तेरे को कीड़े पड़ेंगे, मैं तेरे को बता रहा हूँ। पूरी लाइफ मेरी हाइपिक्सल के अंदर तो खराब कर रहा है। और अभी तो नई चीज आ चुकी है, रिफ्ट के अंदर जाके मोड्स लेने हैं। पहले कॉइन लो, अभी जाके मोड्स लो। बस जिन लोगों को पता नहीं है, साइमन जो है हाइपिक्सल का ओनर है, उसको इंग्लिश में गाली देते हैं। इंग्लिश में साइमन, तेरे को कीड़े पड़ेंगे। कीड़े, ये ब्रो चलो ये सस्ती है तो ये एक बार फिर से लगा लेते हैं यार, दुख के साथ। अच्छा, ये बुक मार्केट में है ही नहीं। अच्छा नहीं है, इसके लिए मेरे को लेवल 200 चाहिए। हाइपिक्सल के अंदर लेवल इंक्रीज करना एकदम बहुत ज्यादा सिंपल है। तो अगर आपको लेवल मैन्युअली इंक्रीज करना तो आप ज़ॉम्बीज को जाके मार सकते हो। लेकिन नहीं, हमारे चाचा जी तो है ना। हेलो मामा। मामा जी, एक बारी मेरे को बड़ी वाली बोतल दियो। इस बारी देख, बड़ी वाली देख, बड़ी वाली मोटा माल है भाई। वैसे देख रहे, जेब के अंदर बहुत पैसा है। फटाक से 365 लेवल अपना आ चुका है। और अब भी इसके ऊपर लगाते हैं स्माइट। और अगर मैं स्माइट 7 लगा होने की प्रॉब्लम होगी तनु। अच्छा, बुक स्टॉक में ही नहीं है, नॉट इनफ सप्लाईज इन बाजार। अभी गाइस मेरे को ना ज्यादातर टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको तो पता है कि हाइपिक्सल के अंदर एक नया बंदा आ चुका है जिसका नाम है बैरी। और बैरी ने समहाउ एक पोर्टल बनाकर रखी है, और उस पोर्टल से मेरे को लगता है, आई बिलीव उस पोर्टल से बैरी हाइपिक्सल डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो काम मैंने ऑलरेडी लेकर रखा हुआ है ना, इस पे काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारा एक्सपी तो आ चुका है। सबसे पहले मेरे को अपने पैसे जो है बैंक के अंदर डालने हैं। इस तरफ चलते हैं और यहाँ पर अपना नया बाबा जी खड़ा हुआ है। कम ऑन ब्रो, भाई हेलो, मेरी बात सुन ले। ए चाचू, मेरी बात सुन ले। बाबा जी देखो, इतनी बड़ी हाइपिक्सल की तुड़ी है, तू यहाँ गुफा के अंदर क्यों बैठा भाई? लेकिन चलो कोई बात नहीं, का जिसको क्लिक करते हैं एंड फटाफट से एक डायमेंशनल इन्फ्यूजन लेते हैं। भाई इसकी एनिमेशन एकदम जबरदस्त है। एंड लेट्स गो गाइस वंस अगेन रिफ्ट के अंदर। भाई साहब, बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है यार। और मेरे पास इन्वेंटरी के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है। एंड एक बार फिर से गाइस कूदते हैं यहाँ पर, और मैं हमेशा इसके बारे में भूल जाता हूँ। एक काम करते हैं गाइस, मेरे पास रिफ्ट के अंदर ना सिर्फ 8 मिनट और 15 सेकंड का टाइम है, पर मेरे को ये टाइम इंक्रीज करना है somehow, क्योंकि ये टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए अगर मैं यहाँ से आर्मर वगैरह लेता हूँ ना, तो आर्मर के ऊपर ना पर्क्स लगी होती है। इसकी तरफ नहीं देखता, यस, क्योंकि अगर इसकी तरफ देखोगे ना तो आपका 1 मिनट टाइम मार जाएगा, पूरा 1 मिनट। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप यहाँ पर आर्मर वगैरह लेते हो तो आर्मर के ऊपर जो है पर्क्स लगी होती है, तो वो पर्क्स आपको एक्स्ट्रा 1 मिनट या 2 मिनट देंगी। अब आया तो तू भी आ जा मेरे हाथ में। मान नहीं देखना, आंखें बंद कर लेते हैं। नौटंकी मत कर, खीरे भरेंगे तेरे को भी। खीरे, हाँ, एनाकोंडा टाइप, ये बड़े बड़े खीरे, एकदम बिग वंस ब्रो, बिग खीरे। और दूसरी बात गाइस, टाइम इंक्रीज करने के लिए ना मेरे पास एक और तरीका भी आ चुका है। यहाँ पर मेरे को एनिग्मा लेना है, और यहाँ पर 3-4 मैंने देख के रखी थी यार, यहीं कहीं होगी। आई थिंक इस तरफ है। जाने से पहले इसको भी 2-3 ठोक के लगाते हैं। अरे नहीं देख रहा मैं, मेरे भाई नहीं देख रहा, नहीं देख रहा मेरे चाचू, नहीं देख रहा। कौन मार रहा भाई? तो मेरा घोरा नहीं है, मेरे को लगा तू मर गया था। और तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? ओह माय गॉड, ये देखो, अरे एक और पड़ी हुई है भाई। मेरे को
हेलो क्या कर रहा तू आर्नोल्ड फॉर रियल ये आर्नोल्ड फिल्मों के अंदर होता है। बट एनीवेज गाइस मेरे को यहाँ पर ना एक फेरी सोल ढूंढनी है। आई मीन नॉट फेरी सोल एलिग्मा सोल ढूंढने जो कि यहाँ वहाँ होती रहती है हमेशा और उसको लेना है। उसको लेंगे तो भाई आपको पता है कि आपके भाई का जो है एकदम से टाइम जो है हाईपिक्सल की जो रिफ्ट वाली लॉबी है वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और ये रही कम ऑन कैसे देते इसको क्या है ये मेरी थी वो भाई मेरे मेरी है वो हट जा हैंग कर सेकंड क्या इशारे कर रहा है हट जा चल मैं खड़ा हूं यहां पर चल मैं खड़ा हूं हट जा ओ ओ ओ मैं समझ गया अभी देखो क्यों नहीं पावरिंग यार यार ये वाला फंडा इतना खतरनाक था। तो बेसिकली गाइस अगर आपको एक ग्लास तोड़ना तो इसके लिए आपको दो बंदे चाहिए। तो एक बंदा यहाँ पर खड़ा होगा प्रेशर प्लेट के ऊपर और एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तो अभी जाके ये अनलॉक होगी। तो एक क्लॉक लेते ही मतलब कि ये सोल लेते ही मेरे को 40 seconds ब्रो एक्स्ट्रा टाइम मिला। और ऑब्वियसली ब्रोस 40 सेकंड्स इतना भारी टाइम नहीं होता लेकिन बाद में ऑब्वियसली अडैप्ट होता रहेगा। और अभी ना मेरे को लूब्रो से मिलना है और ये देख रहे हैं उस वाली फेरी सोल की तरफ। तो अगर मैं ये भी लेता हूँ ना तो मेरे को 40 सेकंड्स और टाइम मिलेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर जाकर देखू तो कैसा रुक नीचे तो होने दे मेरे को। भाई तुम लोग फ्रॉग्स हो भाई तुम्हारे पास जंप एबिलिटी होनी चाहिए यार। तुम फ्रॉग्स हो फ्रॉग्स लंबी जंप कर सकते हैं लेकिन ये दोनों पागल है मेरे को लगता है। अगर मैं ऊपर जाकर देखू तो भैंस के ये लोग कीड़े मेरे को अरे मैंने ले ली नाइस इसके ऊपर स्लैग मार के तुम भी ले लो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस इनको छोड़ते हैं। और अगर आप हाईपिक्सल खेलोगे ना यहाँ पर अगर आप रिफ्ट वैली के अंदर आओगे तो प्लीज यहाँ पर मत जाना। मैंने लास्ट वाली वीडियो की कमेंट सारी पढ़ ली थी सारे बंदे मेरे को एक ही बात बोल रहे थे कि हाँ ये तो वही बात होगी ना बीबी की वाइंस की तरह कि 20 रुपए दोगे तो मैं राज की बात बताऊंगा और वो राज की बात एकदम खच्चर होती है। राज वाली बात के अंदर कोई राज होता ही नहीं है। अभी ना मेरे को यहाँ पर एक और राज की बात पता लगी। तो बेसिकली जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स है ना ये वाले इनको मार के इसकी तरफ नहीं देखना मर जा मेरे भाई फॉरएवर टेक ओ कीरे। तो ये मिलता है मेरे को शाई क्रक्स। तो बेसिकली अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मैं इसको बेच भी सकता हूं। वे व्हाट इसकी टैलिस्मैन बन सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई मेरे पास 6 आ चुकी है। तो इसके अगर मैं टैलिस्मैन बनाऊंगा ना तो टैलिस्मैन से गाइस मेरे को एक्स्ट्रा रिफ्ट टाइम मिलेगा। और ऑब्वियसली गाइस यहां पर अगर आप खेल रहे हो ना तो रिफ्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाला था लेकिन उस बात बताने से पहले ना मेरे को इन चोमुओं को मारना पड़ेगा। कम ऑन इसकी तरफ देखना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ब्रोस इसकी तरफ देखोगे तो आपका 1 मिनट का टाइम मर जाएगा। ओके तो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना और मेरे को सिर्फ एक बहुत हर एक चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं होती इसको बाद में देखते हैं क्योंकि मेरे को एक और मारना है। कम ऑन मेरा टाइम भी खत्म होने वाला प्लीज एक और राजा ये रहा पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। नाइस मेरे भाई नाइस लेट्स गो मेरे भाई तेरी मैंने तेरे को देखा भी नहीं। तभी गाइस मेरे पास आ चुकी है 8 इसका मतलब ये है कि मैं अपने लिए यहां पर एक टैलिस्मैन बना सकता हूं। और अगर मैं अभी टैलिस्मैन बना के देखूं तो अभी तो बन जानी चाहिए यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस अपना फंडा था कि हमें टैलिस्मैन लेके रखनी है और ऑब्वियसली ब्रो मेरे पास टैलिस्मैन आ चुकी है और ये मेरे को देगी एक्स्ट्रा रिफ्ट टाइम लेट्स गो। और अभी मैंने नोटिस किया कि हम इस टैलिस्मैन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो मैंने 25 किल करे है ना तो अभी आ चुके लेवल 2 पर और अगर मैं 50 किल करता हूं तो ये लेवल 3 पर भी जाएगी लेवल 4 लेवल 5 और इसके जरिए एक्स्ट्रा टाइम भाई साहब उम्र लंबी करने का टोटके होते हैं ये। आई अभी हम फूल को फॉलो करते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फूल मेरे को कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। ये ना हो कि भाई हमारा फूल ब्लडी फूल बना दे भाई। ओके ये पड़ा हुआ है फट से इसको भी ले लेते हैं। ओले इतनी दूर भाई अब मैं तैयार के जाऊं क्या। चलो तैयार लेते हैं और नीचे देख रहे हो भैंस की पूरा ऑब्सीडियन भरा हुआ है मतलब कि कोई बंदा अगर एस्केप करने की सोचेगा भी सही ना तो फिर भी एस्केप नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली गाइस आपको पता है ना कि पानी के अंदर ऑब्सीडियन तोड़ना एकदम नीली नामुमकिन है। भाई खाई में फेंकने की प्लानिंग हो रही है क्या तुम लोगों की बिल्कुल एच पे देख रहा कई लोगों ने मेरे को फूल। तो फटाफट से ना इसको भी चख लेते हैं कहाँ पर गया आवाज तो आई ना मेरे को कहाँ पर गया ये तेरी ब्लडी फूल पक्का खाई के अंदर गिरवाने की कोशिश जा रही है यहाँ पे हाईपिक्सल के अंदर पक्का 100%। What? अरे एक और क्लोक मेरे को मिल चुका है नाइस मतलब कि अगर मेरे को एक और क्लोक मिलता है ना तो मैं अपने आप को अपग्रेड करवा सकता हूँ। भैंस की आंख एकदम खतरनाक लेकिन ऑब्वियसली वहां तक जाने की जरूरत नहीं है हम वेट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इसको उठाते ही टच करते ही मेरे को 80 सेकंड और मिल चुका है नाइस। लेकिन अभी मेरे को पता करना है कि अगर मैं एक और लेता हूं और एनिग्मा के पास जाता हूं तब मेरे को क्या मिलेगा। और ऑब्वियसली गाइस वो मेरे को अभी नहीं करना क्योंकि हमें ना थोड़ा बहुत यहाँ पे छानबीन करनी है। लेकिन छानबीन करने से पहले मेरे को ये जो कचरा पड़ा ना इसको बेचना है। हेलो चाचू भाई बॉस सुंदर है भाई तू बहुत सुंदर है। तो ये गाइस ये शाई क्रक्स लेके
आपको मोड्स देता है। अब मेरे को पता नहीं है कि ये गधे है कि ये चालू है। लेट्स गो, ऐसी तरक्की करता रहियो। मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी अंदर। लेकिन चलो गाइस, मक्खी को मारते हैं गोली। और अभी जाके ना मेरे को ना यहाँ पर अपने लिए आर्मर पैदा करना। और यहाँ पर बेसिकली ये एक ट्री बायोम है, और ट्री बायोम के अंदर कौन रहता है? ये लोग। ये क्या है? बीज भाई। ये लोग ना यहाँ के कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहते हैं। कसम से भाई, ये स्टोरी हाईपिक्सल की बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। ये इनसे फालतू में बंगल लेना, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस अगर आप एक बी को तंग करते हो ना, तो पूरा गुच्छा आपके पास आ जाएगा। तो ये लोग लिटरली पेड़ों के अंदर ना गुच्छे बना के रहते हैं। तो ये जब घर देख रहे हो ना, अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली में गुच्छे हो सकते हैं, इनके बी हाइव हो सकती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं। व्हाई डू बी हम्स? मेरे को नहीं पता भाई, क्वेश्चन मत पूछ, आंसर दे मेरे को। दे डोंट रिमेम्बर द लिरिक्स। वाह भाई, हंसना था क्या? जोक मत मार भाई, रहने दे, तुम लोगों को असर ही नहीं होता। ऊपर जाके इनके तीन भाई है, इनसे मिलना है। ये रहे ये थ्री ब्रदर्स। नाइस है भाई, ये बिल्कुल ट्रेडिंग लाइफ सिमुलेटर की फील आ रही है मेरे को। हर एक जगह पर यही एमपीसी छोड़ के रखे है भाई। ट्रेडिंग लाइफ सिमुलेटर में खत्म करने वाला हूं कुछ ही दिनों के अंदर। इट्स रेयर टू मीट न्यू फेसेस अराउंड दिस वुड्स। ओह, तो ये बंदा बोल रहा है कि यार रिफ्ट के अंदर कोई नहीं आता, और नए नए चेहरों से मिलना बहुत रेयर है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली बोल रहा है कि जो बंदा रिफ्ट में आता है ना, हम उसको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि रिफ्ट बहुत खतरनाक जगह है। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम डायमेंशन है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे तीन भाई हैं, उन तीनों से मिलियो, और वो तीनों तेरे को एक एक आर्मर का पीस देंगे। और खबरदार, उन तीनों भाई, ये मेरे को वार्निंग दे रहा है। आई थिंक मेरे को ट्रोल कर रहा है नुबड़ा। बेसिकली ये मेरे को बोल रहा है, ओ तेरी, ये है बी गार्ड। हेलो चाचू, जाइए। उस तरफ बंदे आए थे, मैंने देखा, उस तरफ मोटे वाले बंदे आए थे, पकड़ ले उसको। तो बेसिकली ये बंदा बोल रहा है कि अगर मेरे भाइयों से तू मिलेगा ना, तो उनको कभी नाम से मत बुलाना, क्योंकि जो वेपन तेरे को देने वाले हैं ना, वो तेरे ऊपर ही यूज कर लेंगे। निकल लिखा, अच्छा तो फादर है, फादर से मैं उससे बात नहीं कर रहे, जो मुझे मिलना है इनके भाइयों से। तो इनके भाइयों का एनपीसी नाम है समथिंग समथिंग थ्री ब्रदर्स। तो ये है थ्री काउंटर, ये क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 फटने वाला है क्या तू? 9 10 11 दैट वाज 10 seconds। अजीब ट्रोल बंदा है। बेसिकली 10 तक गिना, कर चल अब जा, हो गया। 10 तक की गिनती आती है मेरे को। मेरे को लगा था कि 10 गिनने के बाद ये बंदा बेबी फट जाएगा, या कुछ देगा, या कुछ लेगा, लेकिन नहीं। ओह, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये क्या देता है? Remember, I was never here। हाँ, चल दे, ज़्यादा नुबड़ा बनती नहीं कर रही। अरे भाई, मेरे को हेलमेट मिल चुका है। Let's go। इससे मेरे को मिल रही है इंटेलिजेंस प्लस रिफ्ट टाइम। भाई तो फटाफट इसको पहन लेते हैं भाई। लेट्स गो, नाइस, क्या बात है। और अभी मेरे को ढूंढना ऑब्वियसली अपने लिए चेस्ट प्लेट, उसके बाद ऐसे तो बातें नहीं करनी, ये बंदा हमेशा बिजी होता है। ठीक है, ओके। तो ये एक लैडर यहाँ पर लगी हुई है, और ऊपर गया, इसका भाई मेरे को मिला। लेकिन अभी मैंने देखा कुछ बात, मैंने नोटिस की कि बाकी जगहों पर भी लैडर लगी हुई है। तो काम करते हैं, उस वाले लैडर के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं वहां पर क्या है। कहां इन लोगों ने बी हाइव बना के रखी हुई है। ओके, ये कुछ ना कुछ देगा मेरे को, कम ऑन प्लीज। अरे जूते प्लस एक्स्ट्रा 15 seconds रिफ्ट के। नाइस भाई, एकदम नाइस, एकदम बढ़िया मेरे भाई। ओके, अभी इसके बाकी भाइयों को ढूंढना है। इधर आई थिंक इससे मैं बात कर चुका। अरे इसी से मैंने अभी जूते लिए थे। ओके, अभी इसका काम हो चुका है, अभी फिर से नीचे चलते हैं। लेट्स गो। और अभी मेरे को मिलना है इसके तीसरे भाई को, जो कि मेरे को ऑब्वियसली या तो लैगिंग देगा या तो मेरे को चेस्ट प्लेट देगा। तो वो वाली लैडर के ऊपर मैं जा चुका हूँ, इस वाले के ऊपर भी जा चुका हूँ। यहाँ पर और लैडर्स होनी चाहिए। एंड लेट्स गो, फाइनली एक और लैडर आ चुकी है अपने सामने। लेट्स गो, इसके ऊपर चढ़ते हैं। अरे ये दूसरा भाई मेरे को, लैडर तुम लोग ठीक से लगवा लिया करो यार, हैं? इनको सिर्फ चूना लगाना ही आता है। ये कह दे रहा मेरे को लेगिंस 1000 moats। अरे मैं इसके पैसे दे रहा हूँ। नाइस है भाई, मेरे को लगा था कि तुम्हारा भाई मेरे को फ्री में प्रिपेयर करेगा, लेकिन नहीं, तुम लोग तो नुपड़ेपंती कर रहे हो, पैसे ले रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, पैसे लेके भी कुछ ना कुछ हो रहा है ना, फिर भी अच्छी डील है। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी द डेफिनेशन ऑफ ट्रक। अरे मेरे को मत बता, मेरे को सब पता है भाई, मैं स्टोरी समझ गया हूं। एंड फाइनली चेस्ट प्लेट, कितने का लिया मैंने? 2000 moats का भाई साहब। तुम लोगों को मौत पड़ेगी, ये मौत ले रहे हो तुम लोग मुझसे। लेकिन अभी सिर्फ एक चीज मिसिंग है, और वो है अपनी सोड। एक सोड मिल जाना भैंस की, मैं सबको यहाँ पे पार दूंगा कसम से। बस एक सोड मेरे को चाहिए, एक सोड, ज्यादा नहीं ब्रो, ज्यादा नहीं। हाइपेरियन मेरे को नहीं चाहिए, जायंट सोर्ड भी नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी सोर्ड दे दो। लेकिन इन्होंने मेरे को बोल के रखा था कि इनके पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है, लेकिन उस सीक्रेट वेपन को ढूंढने के लिए ना मेरे को राइट वाले भाई से मिलना पड़ेगा। तो अगर वो भाई मेरे को मिल गया ना, और आई बिलीव ब्रोज, वो सीक्रेट वेपन उनकी सोर्ड हो सकती है। हैंग ऑन अ सेकंड ब्रोस, हैंग ऑन अ सेकंड। मैंने इस बंदे से अभी तक ठीक तरीके से बात नहीं की। तो अगर मैं इसके ऊपर एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, तो आई हैव अ स्पे वेपन। पहले कहाँ पर था भाई? अच्छा, अब इसको ये तीन शाय क्रक्स चाहिए। कम ऑन यार, कम ऑन, लास्ट बचा मेरा टाइम भी खत्म होने वाला है। 40 seconds बचा है यार, इससे पहले कि मेरा टाइम खत्म होना, मुझे फटाफट से जाकर इसे ट्रेडिंग करनी है और इसे सोड लेनी है। 37 seconds प्लीज, सोड दे दे यार, सोड दे दे प्लीज, एक सोड दे दे। तेरा सीक्रेट वेपन है, सीक्रेट वेपन, कम ऑन, सीक्रेट वेपन देख रहे हो?
दो डैमेज कर रहा है ये। मेरे को बोल कर रखा था कि इन लोगों के पास सीक्रेट वेपन है, 20 का सीक्रेट वेपन है, 20 का। तो बाबा खा गया, आधा पैसा तो हाईपिक्सल का तो तू लेके जा रहा है। फिलहाल मेरे पास आर्मर वगैरह आ चुका है, और आपको याद होगा कि कल जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे पास सिर्फ 8 मिनट का टाइम था, और अभी देख रहे हो नियरली प्रोस 11 मिनट मेरे पास आ चुके हैं। तो तरक्की हो रही है भाई, इसका मतलब ये है कि अभी हम ज्यादातर टाइम यहाँ पर बिता सकते हैं। और अभी मेरे को एक और चीज देखनी है, मैंने देखा कि कुछ बंदों ने ना यहाँ पर केबल कार बना के रखी हुई है, तो मेरे को वो बना के रखनी है। और आई बिलीव मेरे को पता है वो रफली कैसे बन सकते। सबसे ऊपर एक भाई था और उसने वहाँ पर दुकान खोल के रखी थी, तो काम करते हैं फटाफट से ना, ये लिफ्ट लेते हैं, यहाँ से लिफ्ट ली एंड तो लिफ्ट लेकर सबसे पहले उन दोनों से मिलते ले मैं फिर से। नाइस लिफ्ट है भाई। ये रहा, हेलो चाचू, बहुत ज्यादा गुस्से में है। वी डोंट ईट मच, समटाइम्स वी ईट ओडोनाटिस, पता नहीं क्या है ये। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर एक और बंदा खड़ा जिसका नाम है बग चॉपर। हेलो, उसको यही चीज चाहिए जिसको मारने के लिए मेरे को, इसको लेने के लिए मेरे को 6 शाय वो वाले चाहिए, शाय क्रक्स, जो कि बहुत तंग करते हैं। ये ले, तू भी ले, तू भी ले। देख मामा, मैं पूरे 6 लेके आया हूँ, मेहनत की कमाई है, प्लीज हड़पियो मत। अरे नाइस, आ चुका है, नाइस। तो बेसिकली गाइस मेरे को ये चीज यूज करनी है लावास के ऊपर, और इससे मेरे को मिलेगा सिल्क। अरे भाई साहब, नाइस नाइस नाइस। अरे भाई, एक्चुअली मेरे को सिल्क मिला यहाँ से, मेरे को यहाँ पर एटलीस्ट 8 चाहिए। अरे वाह, तीसरा भी मेरे पास आ चुका है। और एक ये रहा भाई, भागने की कोशिश नहीं करनी भाई, नो भागम दौड़ी। ओके, अभी इसको चाहिए लार्वा हुक जो कि ये देता है, और इसको लेने के लिए मेरे को 6 ये चाहिए जो कि मेरे पास आ चुके हैं। फटाक से ले लिया। अभी मेरे को बोल रहा है कि तेरे को जाना है हुक से, तेरे को सिल्क लेके आना है, लेकिन सिल्क मेरे पास है। गुड, नाइस, डू नॉट ईट सिल्क। ओके ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा फेवरेट फूड सिल्क नहीं है, तो बस काम की बात कर मेरे सामने। अभी मेरे को कुछ ना कुछ देगा भाई साहब, मिल चुकी है मेरे को ये चीज, लेट्स गो भाई। अभी मैं इसका ये बना सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मेरे को रस्सी निकालनी है यहाँ से और वहां तक। नाइस, लेट्स गो, फटाफट से गाइस मेरे को यहाँ से ऊपर चढ़ना है, और ध्यान से कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं, और उस रस्सी की हेल्प के जरिए हम ये भी ले सकते हैं। तो अगर मैं क्लिक करूं, ओ, कुछ ना हुआ। अरे भाई, अब इसको लेना कैसे है, क्लिक करूं, यू कैन मूव फॉरवर्ड। टन 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 टन। भाई मैं एकदम से भाई टॉम क्रूज बन चुका यहाँ पर। ओके ब्रोस, अभी ट्राई करते हैं ये चीज लेने की, क्योंकि मेरे को लगता है कि लास्ट टाइम मैंने नहीं ली थी, क्योंकि अभी ना ये फिलहाल ग्लास के अंदर बंद है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो एक्चुअली ग्लास की हेल्थ है, कम ऑन। अरे मैंने ले ली 5 सोल्स। अरे भाई एकदम जबरदस्त है यार। ये काम करते हैं, क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ छलांग मार के, लेट्स गो, वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे को पीछे से आना है, पड़ा, व्हाट्स, टन 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 टन। अरे मैंने तोड़ दिया। तो गाइस मैंने यहाँ पर 5 सोल्स ढूंढ के रखे हैं, तो उसकी मेरे को मिलती है स्पीड एंड माना। अरे मैंने ले ली, अरे थोड़ी बहुत स्पीड अपनी बढ़ चुकी है, लेट्स गो। और एक बार फिर से ब्रो, तुम्हारे पास पूरा आर्मर भी आ चुका है, और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम बैरी का प्लान थोड़ा बहुत फास्ट करेंगे और वहां आगे प्रोग्रेस करेंगे, और देखते हैं कि वहां पर एक्चुअली है क्या। तो चलेगा, अगर आपको छोटी सी वीडियो में मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।